नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मैं इसके बाद इस वीडियो में थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं कि फ्यूचर में मार्केट कैसी रह सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे जो RBI के गवर्नर है उन्होंने एक कमेंट बोला था कि मार्केट अब करेक्शन ले सकती है, और हमने देखा था यूट्यूब पे बहुत ज़्यादातर लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी कि अब मार्केट करेक्ट होगी। उन लोगों ने कह दिया अब तो मार्केट करेक्ट होगी या जॉबलेस डाटा, पता नहीं कितनी कितनी लोग वीडियोज़ बना लेते हैं इसके ऊपर, और मैं देखता हूँ कि उस पर 1 लाख व्यूज़ 2 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो लोग न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट पे काम करते हैं या पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में काम करते हैं। सो मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि मार्केट पे एक रैली आएगी 10,400 के ऊपर, एक छोटा सा माइनर करेक्शन आ सकता है जब 10,300 का लेवल ब्रेक हो सकता है। बट 10,400 का लेवल ब्रेक हुआ, मैंने आपको कहा कि 10,530 तक के टारगेट्स हैं और मार्केट ऊपर जा सकती है, वही हुआ। बेसिकली जस्ट फॉलो टेक्निकल एनालिसिस, कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे बट जब आपके टारगेट्स हिट होना शुरू होंगे तब आप लोगों को डेफिनेटली हैंडसम प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए कभी ना कभी तो लोगों के टारगेट्स हिट होते हैं, चाहे जो बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, सो उनके भी टारगेट्स हिट होते हैं तो हम लोगों के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सो उसके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, बट द मंथ के एंड में आपको एक अच्छा प्रॉफिट ही मिलेगा। सो इसी के साथ मेरी और भी बहुत सारे लोगों से बातें हो रही थी ज्वाइन बटन से रिलेटेड, वो सोच रहे थे कि आप क्या करिए। तो आज मैंने क्या करा, मेरे पास फंड्स की कमी हो गई थी जो मैंने अपने, क्योंकि अपने पूरे के पूरे फंड्स अपने पोर्टफोलियो पे लगा रखे थे, तो मैंने आज अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो को क्लियर कर दिया, सारी की सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। सिर्फ IT सेक्टर के 2 स्टॉक रखे हुए हैं और एक HDFC बैंक रखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को कल रिकमेंड करा था। IT सेक्टर के 2 हैं, रामको सीमेंट और सोर्स सेंट्रल, बस वो रखे हुए हैं और सब कुछ निकाल दिया क्योंकि मेरे पास फंड्स की कमी हो गई थी, और मैं जो आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ वो मैं खुद भी बाय नहीं कर पा रहा था। सब फंड फ्री हो चुके हैं, मैंने उसको विड्रॉवल भी डाल दिया, विड्रॉ भी कर चुका हूँ मैं उसको, और कल के 2 दिन तक मैं मार्केट पर कोई ट्रेड नहीं लेने वाला चाहे मुझे जितनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्यों 2 दिन मैं मार्केट पर ट्रेड नहीं लेने वाला, इसके पीछे का रीज़न सुनेगा, लॉजिकल रीज़न है। मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी आज, मार्केट हम देख रहे थे 2-3 दिन से साइडवेज था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, आज इसने एक परफेक्ट रैली दी थी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। क्या हो रहा था, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें, आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी को, आप देखिए रिलायंस को, आप देखिए निस्ले को, कोई भी स्टॉक्स आप उठा के देख लीजिए, हमने देखा उन स्टॉक्स पे कोई मूवमेंट नहीं थी, वो स्टॉक्स चल रहे थे जब मार्केट साइडवेज या गिर रही थी, बट अब वो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं जब मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली दिखा रही है। ठीक है, ब्रेकआउट दे रही है मार्केट, तब भी वो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अब ना स्टॉक का सिलेक्शन जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि उन पे रैली आ चुकी है, अब वो स्टॉक्स बढ़ना शुरू कर रहे हैं जिन पे रैली आना स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो 2 दिन का टाइम लगेगा, मैं खुद मेहनत करूंगा, 2 दिन का मुझे टाइम चाहिए जिसपे मैं आप लोगों के लिए ऐसा स्टॉक सिलेक्शन लेकर आ पाऊं जिसपे हम इन द सेंस कि 1 महीने के लिए हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जो हमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न दे सके, या फिर हम ब्लू चिप में ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि बहुत स्टॉक्स हैं जो चल चुके हैं, अब जो रैली मार्केट पे स्टार्ट हुई है उस पे वो शायद ना चले। ठीक है, तो अब इन स्टॉक्स से थोड़ा हम फोकस हटाएंगे और उन स्टॉक्स पे जाएंगे। ठीक है, मैंने अपने कैश को विड्रॉवल कर लिया है, मैं 2 दिन मार्केट पे खाली बैठा हूँ, मुझे जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं होल्डिंग्स मेरी 32 थी, एडवांस एंजाइम्स था, अपोलो ट्यूब था, आप लोगों को भी मैंने रिकमेंड करा था, BEML था, भारत सीड्स था, सेंचुरी टेक्सटाइल था, CESC था, एरिस था, गोदरेज था, HDFC बैंक मैंने सिर्फ बी शेयर ही ले पाया क्योंकि मेरे पास फंड्स ही नहीं थे, हेरिटेज फूड्स ये था, आप बेसिकली सारी चीज़ें छोड़िए आप इस पर आ सकते हैं, या ये सारे स्टॉक्स मेरे पास थे, मुझे 5% 8% 18% 22% 78% तक का रिटर्न मिल रहा है, 18% तक का रिटर्न मिल रहा है, ये सारे स्टॉक्स मेरे पास थे। मारुति तक था, मैंने आप लोगों को भी रिकमेंड करा था, 6700 से 7081 हो चुका, मैंने सारे इन सारे स्टॉक्स के बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, ये जो भी मेरे पास 32 होल्डिंग्स हैं ये यहाँ से डबल हो सकते हैं, मतलब जो मेरा परसेंटेज वाइज अगर मुझे 106% दे रहा है तो ये एट आने वाले 2-3 महीने में 12 या 18% भी हो सकता है, बट
मेरे पास इतनी ज़्यादा सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी कि मैं इन पे बने रहूँ और मैं नए ट्रेड्स ले पाऊँ। सो मैंने प्रॉफिट बुक्स करे, मैं यहाँ से निकल गया हूँ, विड्रॉ कर लिए। अब आप लोगों को अगर मेरी स्ट्रैटेजी पे काम करना है तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मुझे फॉलो करिएगा। क्या होता है कि आप लोग मल्टीपल यूट्यूबर्स या ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं और उनके एनालिसिस मेरी एनालिसिस मिला के काम करते हैं, आप इवेंचुअली लॉस में निकलते हैं। आपको अगर मेंटर की नीड है तो मैं कहूँगा एक मेंटर को पकड़िए। ज़रूरी नहीं है मैं मेंटर होना चाहिए, कोई भी मेंटर हो, एक मेंटर को पकड़ो, उसी पे फोकस करो, उसी की चीज़ को ध्यान से सुनो, उसी के एनालिसिस पे अपना एनालिसिस करोगे, इन द फ्यूचर ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। देखिए मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात फालतू की बातें लग रही होंगी कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों को सिर्फ इस वीडियोस में मतलब होगा कि मुझे स्टॉक बताओ, मैं निकलूँ, मैं कल के लिए ट्रेड करूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को लंबी हो रही है तो आप लोग प्लीज़ फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, बट जिन लोगों को कंसेप्ट समझना है, जिनको मार्केट पर सस्टेन करना है, ये सिर्फ उसके लिए बात हो रही है। मैं जनरली आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरे हिसाब से चलना है, सिर्फ ये जो महीने का एंड है, इस महीने के एंड तक आप मार्केट पे थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करिए, ठीक है, मार्केट पे रहिए, थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करिए। जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा उस पर हमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, इस मंथ के एंड में हम लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि मार्केट का क्या टर्न अराउंड ऊपर की साइड होने वाला है या नीचे की साइड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मीट हो रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लियर वे से कह रहा हूँ, तभी मैंने अपने सारे विड्रॉवल्स कर लिए। मारुति पे मेरा 9000 का टारगेट है, बट तब भी मैं 7000 पे निकल गया क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी शायद हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत हमें और नीचे मिल जाए, ठीक है। तो मेरे अगर आप एनालिसिस से चलोगे तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली मंथ के एंड में फ़ायदा कमा के दूंगा, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे पेड क्लाइंट्स हो, चाहे कोई भी हो, मैं सब लोगों के साथ हूँ, मेरे को किसी पे भी भेदभाव नहीं करना है। मैं आप लोगों को देखिए, मैंने जब कोर्स पढ़ाना शुरू करा तो मैं 3 बैचेस ले चुका हूँ, मैंने 3 बैचेस फ्री में पढ़ाए हैं, अराउंड 270 पीपल थे जिन लोगों को मैंने फ्री में ट्रेन करा है, कोई चार्जेस नहीं लिए हैं। और अभी भी मैं सितंबर में जब चार्जेस लेकर आने की सोच रहा हूँ तो मैं इतना कंफ्यूज हूँ, जब मैंने लोगों के चार्जेस देखे, 50,000 रुपये कोर्स, 25,000 रुपये कोर्स, तो मैं खुद हिल गया। मैंने सोचा कि मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये लोग क्या अफोर्ड करेंगे। मतलब बेसिकली मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, मतलब इतनी महंगी स्टडी क्यों करनी है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ आप लोगों के बेसिस पे, आप लोगों से ऊपर, आप लोगों के साथ ऊपर पहुंचाऊं तो सारी डिसीजन होगी मेरी आपके साथ होगी, कोर्स की फीस भी आप लोग ही डिसाइड करोगे, सारा कुछ आपका होगा, बट मुझे सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कराने से मतलब बस मेरा ये है कि जिस एज में मैंने स्टार्ट कर लिया है उस एज में अगर सारे लोग स्टार्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली जो मार्केट है ना वो सही हाथों में होगी, ठीक है। ये बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई रीस नहीं है कि एक यूट्यूबर उनकी बेइज्जती करे या हम देखो उससे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। मैं बोलता हूँ कि सब लोग अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं अपने नॉलेज के लेवल पे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्वाइन बटन से रिलेटेड मैंने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकाला है जो मैं सोच रहा हूँ वो कल की वीडियो में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इसी ये जो वीडियो मैं हर दिन अपलोड करता हूँ उसी के अंदर मैं आपको बताऊँगा, उस पर आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत गेन होगा। हाँ मैं कह रहा हूँ चार्जेस होंगे, ऐसे चार्जेस नहीं होंगे कि आप लोग घबरा जाओ, थोड़े चार्जेस होंगे। देखिए मुझे भी करना पड़ता है, मैं आप लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ तो जितना भी आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, मुझे 2 साल होने वाले हैं, मैंने आज तक यूट्यूब से 1 रुपया नहीं निकाला है। जो भी मेरा सिस्टम है, जो भी मैं माइक लेकर आ रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जितने भी मैंने कोर्सेज पढ़ाए हैं जूम के थ्रू, जो भी मैंने जूम के महीने के 4,000 रुपये दिए, जो भी मैंने करा है सारी अपनी जेब से करा है, मैंने कुछ भी ना यूट्यूब से लिया है। मैं फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे निकालना ही नहीं आया कि यूट्यूब से निकालते कैसे है पैसा। तो जब मैं थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इन दी एंड मुझे थोड़ा सा रिटर्न मिल जाए। तो आप लोग भी मेरे अगर फेवर में हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जितने भी मैंने आपको बात शेयर करी है। देखिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कह रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद आएगी, नहीं आएगी, मैं चाहता हूँ जिनको नहीं आती है ये बात, आप लोग अभी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग जा सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मेरे चैनल पे देखने वाले 100 लोग भी होंगे और जो डेडिकेटेड होंगे, मैं उनको ऐसा बना दूंगा इस साल के अंदर अंदर दिसंबर के एंड तक, आप लोग डेफिनेटली ये बात बोलेंगे कि हमसे बढ़िया कोई नहीं, ठीक है। So, 2 दिन मार्केट पे पॉज लीजिए, फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊंगा, 2 दिन मार्केट पे पॉज लीजिएगा, वॉच करिए मार्केट पे। अब मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को वॉच करिएगा कि कितने ऊपर बढ़ रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि 5 रुपये ऊपर बढ़ गए तो वो बढ़ना हुआ, मैं कह रहा हूं कि मार्केट जिस तरीके से बढ़ रही है क्या उस तरीके से वो बढ़ रहे हैं,
इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं आप लोगों को स्टडी करवाना शुरू कर रहा हूँ आज से ही, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं ये थोड़ा महीना फ्री नहीं हूँ क्योंकि हमारे रिलेटिव्स पे वेडिंग है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, ना मैं कॉल्स अटेंड करने वाला हूँ, बट मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ मकसद से ही कर रहा हूँ। सो हम लोग सबसे पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिंडा इंडस्ट्रीज। ये बाय करने की मैं सलाह दूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को स्टॉक्स तो रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मेरा अंदर से मन नहीं था कि मैं आप लोगों को वाले आज वीडियो बनाऊँ, बट बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो बना दिया करो, हमसे वो ऑब्जर्व करेंगे स्टॉक्स को, तो ऑब्जर्व करो, ये जो मैं चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ अपने जाके चार्ट में बनाया करो गाइस, और उसको सेव करा करो। इन द फ्यूचर आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को मार्केट पर सस्टेन करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक हायर हाई बन रहे थे, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, आज दो बार यहाँ सस्टेन कर चुका है। देखिए फ्राइडे के दिन यहाँ सस्टेन करा था इसी हायर लाइन ट्रेंड लाइन पे, आज भी यहीं पर सस्टेन कर, और एक अपमूव आ गई है। प्रीवियस जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, गुड सिग्नल है, कल आप लोग इस पर एक बाइंग बना सकते हैं। अगर डिप भी मिलता है तो भी आप लोग बाइंग इस पर बना सकते हैं, क्योंकि अगर इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जब ये रीटेस्ट करने दोबारा आएगा ना, तो इस लेवल पे बेस्ट बाइंग होती है, बट तब भी आप लोग इसके ऊपर ही बाइंग बना सकते हैं। जो भी लेवल्स और टारगेट्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, और गाइस एक छोटी सी हेल्प चाहिए होगी अगर आप लोग फेवर में हैं तो, ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक ने फेक अकाउंट बना लिया है, बिल्कुल सेम मेरा नाम जैसा रख दिया है, और मेरा लोगो भी उसने बिल्कुल सेम रखा हुआ है। मैं लोगो चेंज करता हूं तो वो भी कर देता है। उसके अराउंड 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज़्यादातर लोग उस पर ज्वाइन हो रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि सर आपने कॉल्स यहाँ अलग देते हो, वहाँ अलग देते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बात को ध्यान से यहाँ पर याद कर लीजिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये मेरा चैनल है, अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, बट उसके में एक कमी है, उसके में फर्स्ट जो एफ है वो कैपिटल है और मेरे में आई कैपिटल है, बट उसके में एफ कैपिटल है और आई उसका इस तरीके से है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा दोनों कैपिटल से है, 10 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं, जो मैं यूट्यूब पे कॉल्स देता हूँ वही सेम कॉल्स वहां पर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वहीं जाके ज्वाइन होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक आते हैं, नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा आता है वो है बजाज फाइनेंस। ये आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी ऑप्शन के थ्रू में कॉल दिया था, अराउंड 32 पे हमने ऑप्शन पे बाय करने की सलाह दी थी, 55 का टारगेट था जो कि अचीव हो गया था। या आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रायंगुलर पैटर्न का एक ब्रेकआउट था, हम उन्हें कैश कॉल भी बाय करवा सकते थे, बट ह्यूज लेवल पे था, तो हम लोगों ने सोचा ज़्यादा उनके जो उनकी कैपिटल है वो इसी में कंज्यूम हो जाएगी और वो अगले ट्रेड नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन कॉल यहाँ पर प्रोवाइड करवाया। सो एक अच्छी खासी देख सकते हैं मल्टीपल लेवल पे एक अपमूव आ चुकी है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर ये कल निकलता है 24,000 के लेवल के ऊपर, ठीक है, तो 15 रुपये या 10 रुपये की मूवमेंट दे सकता है, तो अपना ट्रिगर प्राइस लगा लेना 400.5 का, इसके ऊपर जैसे ही ट्रिगर प्राइस आपका हिट होगा 10 रुपये का टारगेट रख लो, आराम से अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टॉक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला स्टॉक आता है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रांग रैली हमें लोगों को देखने को मिली अराउंड 400 के लेवल से, देख सकते हैं 400 के लेवल से देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक डाउन मूव आई, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब इस लेवल के ऊपर एक देखिए राउंड नंबर है 500 का, इस लेवल अगर देखिए इसे आना होता, रिट्रेस भी करना होता ना, ये यहां तक आ जाता और यहां से ऊपर चले जाता, बट ये इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये देख रहे हैं इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका ब्रेकआउट आएगा तो बड़ी अच्छी बाइंग आ सकती है भारत फोर्ज के अंदर, ये स्टॉक को भी आप लोग बाय के लिए रिकमेंड कर सकता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट स्टॉक आता है वॉक फार्मा। वॉक फार्मा में आप देखिएगा, देखिए मैं आप लोगों को ये पैटर्न बहुत बार बता चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊँ, कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इस पैटर्न के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, डबल बॉटम और वी डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न, इन दोनों के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए अच्छे से समझने के लिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अगर सबसे ज़्यादा भी कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। देखिएगा स्ट्रांग अपमूव आई, नीचे आया, यहीं पर ही हॉल्ट कर रहा था जो अभी हम लोगों ने देखा था मिंडा स्टंट स्ट्रीम में था, ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा होल्ड करा, दोबारा ऊपर जा रहा है, अब यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का यहां पर होल्ड कर रहा है, ये डबल बॉटम है, अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन बनाता हूं तो इधर से पहली ब्रेकआउट हो चुका है, और मैं आप लोगों को बोल चुका हूं इसके ऊपर बाय बनाते हैं, ये हमारा बाय लेवल होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ये हमारा टारगेट होता है,
इसके ऊपर बाय बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग बाय बना सकते हैं। लेवल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। इस स्टॉक की मैं वेट कर रहा था कि स्टॉक में रैली आ जाए। ये लेवल क्यों मैंने प्रोवाइड करवाया, इसके पीछे का भी लॉजिक है, ये सेल के लिए नहीं है, बाय के लिए है। देख सकते हैं इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया, नीचे आया, नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आया, अब इसी लेवल पे होल्ड कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ट्रेडिंग सेशन से ये होल्ड कर रहा है, अपने लोअर रेंज पे है। तो लोअर रेंज पे है तो आप लोग कल इसमें बाइंग बना सकते हैं। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक सेलिंग आएगी, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम लोग सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे इस पर, हम लोगों को इस पर बाइंग के लिए फोकस करनी है, ठीक है। सो आप लोग यहां पर एक बाइंग बना सकते हैं, कल थोड़ी सी भी 5-6 रुपए की टिप मिले बाय बनाए। स्टॉप लॉस अपना 8-9 रुपए का रखिएगा। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि नीचे नहीं जाएगा, बट अगर नहीं जाता तो आप लोगों को इसमें 30-40 पॉइंट्स का भी एक मिल सकता है। सो इसको भी आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इवेंचुअली मुझे लगता है ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्टॉक्स थे। अब आते हैं हम लोग सीधा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि निफ्टी पे एक ब्रेकआउट आ चुका है, ये देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जैसे ही चले जाएगा, इस लाइन के ऊपर बाय बना सकते हैं। देखिए इसके ऊपर भी क्रॉस कर चुका है तो बाइंग आते हैं। ये हमारा टारगेट है जो कि आ रहा है 11,530 का, जो मुझे लगता है आएगा, आ सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगा, बट ये लास्ट गैप है जो फिल होना है, ठीक है। तो प्लीज कॉशियसली मार्केट में रहिएगा। इस मंथ के एंड में हम लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को सलाह दूं तो निफ्टी में तो ट्रेड नहीं करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट तो देखने को मिला ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था कि ये लाइन बना रखी है हम लोगों ने, ये एक राउंडिंग बॉटम, ये एक हैंडल, मतलब एक कप एंड हैंडल का पैटर्न था, इसका एक ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल में और अराउंड से बहुत ऊपर भी जा चुका है। अराउंड मैं आप लोगों को बोलूं तो ये एक सेलिंग लेवल है, यहाँ तक अब ये जा सकता है, जो कि अराउंड 23,000 से लेकर 23,200 का लेवल है, यहाँ तक भी ये जा सकता है। मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक चले जाएगा। सो आप लोग नेक्स्ट मंथ की जो वीकली एक्सपायरी होती है उसको बाय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं तो 23,000 की अगर ये कल परसों में डिप देता है तो बाय बना सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ ही हमारी एनालिसिस ये, मैं आप लोगों को स्टॉक्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बात बताई है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ट्रेड मत लीजिएगा, सब लोगों को यही सलाह दूंगा। और अगर आप लोग मेरे हिसाब से चलने लगे तो डेफिनेटली इन द मंथ के एंड में, सितंबर के एंड में आप लोगों को ऐसा प्रॉफिट दिखेगा कि आप लोग खुद कहोगे कि अब मुझे मेंटर मिल चुका है। देखिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को टाइम चाहिए तो आपका पास ये वाला जो हफ्ता है, इस मंथ का जो एंड है, तब तक आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हो उनके पास को टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप लोगों को काम करना है तो जो भी टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड है, चाहे पावर ऑफ स्टॉक हो गया, चाहे मद्रास ट्रेडर हो गया, वो लोग प्रोवाइड नहीं करवाते, बेसिकली पावर ऑफ स्टॉक है। और जनरली मैं लोगों को देखता हूं तो सिर्फ वो टारगेट और स्टॉप लॉस बता देते हैं, चार्ट्स के बेसिस पे नहीं बताते। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो फ्रैंकली बताऊं तो मुझे पावर ऑफ स्टॉक्स भी पसंद है, तो कोई बात नहीं, मैं सबको फॉलो करता हूं, मैं सबकी चीज़ें देखता हूं, बट काम अपना करता हूं। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को कौन सा मेंटोर चाहिए जो आप लोगों को पसंद आए, और उसको ही सब्सक्राइब करिए, ठीक है, उसी को सब्सक्राइब करिए, सबको अनसब्सक्राइब करिए। मैं कह रहा हूँ चाहे मुझे करना हो मुझे करिए, उनको करना हो उनको करिए, बट अनसब्सक्राइब देम और आपको एक महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी एनालिसिस। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा सा इस बात को जो मैंने आप लोगों को बताया है बता देना, मुझे एक रिव्यू दे देना कि जितना भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अच्छा लगा। मैं देखता हूँ कि 10,000, 20,000, 12,000, 10,000 लोग देखते हैं, बट ज़्यादातर लोग इनिशिएटिव नहीं लेते सपोर्ट करने का। प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं आप लोगों को खुल के कह रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो देन प्लीज़ सपोर्ट मी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा। मैं शिवांश भसीन आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।